12 जुलाई से भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। ये टीम इंडिया की तीसरी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की पहली सीरीज है। भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हारने के बाद वेस्टइंडीज का दौरा करने जा रही है। इस दौरे में टीम इंडिया वेस्टइंडीज के साथ 2 टेस्ट 3 वनडे और 5 T20 मुकाबले खेलने जा रही है। इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारत की टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए खिलाड़ियों का भी ऐलान कर दिया है। टीम इंडिया की कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में होगी, तो वहीं भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे को बनाया गया है। वहीं टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर काफी लंबे समय तक व्यस्त रहने वाली है। रोहित शर्मा एंड कंपनी को टेस्ट सीरीज के पहले मैच से पहले 2 अभ्यास मुकाबले खेलने हैं। इन्हीं 2 प्रैक्टिस मैच में सही प्लेइंग 11 भी तय हो जाएगी, जो वेस्टइंडीज के साथ 12 जुलाई को पहला टेस्ट मैच खेलेगी। हो सकता है कि टीम में यशस्वी जायसवाल या फिर ईशान किशन को नंबर 3 पर आजमाया जाए, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा अब इस टीम में नहीं होंगे। ये भी हो सकता है कि टीम ऋतुराज गायकवाड़ को भी नंबर 3 के लिए मौका दे सकती है, मगर इसके लिए पहले 2 अभ्यास मैचों में ये खिलाड़ी कैसा खेल दिखाते हैं उस पर भी निर्भर करेगा। हैरान करने वाली बात तो ये है कि टीम में 4-4 ओपनर है। अब इनमें से किसी न किसी एक बल्लेबाज को तो नंबर 3 पर खेलना ही होगा, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल का ओपन करना तय माना जा रहा है। उसके बाद नंबर 3 का स्लॉट दिलचस्प होने वाला है, और वहीं विकेट कीपर भी 2 हैं टीम में, ईशान किशन और केएस भरत। अब देखना होगा कि टीम मैनेजमेंट किसे अंतिम एकादश में मौका देती है। गेंदबाजी में मुकेश कुमार को मौका मिल सकता है, क्योंकि मोहम्मद शमी को वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट सीरीज में आराम दिया गया है। इन 2 प्रैक्टिस मैचों के लिए टीम इंडिया अलग अलग समूह में जल्द रवाना होने वाली है। विशेष रूप से कुछ खिलाड़ी अभ्यास सत्र के लिए बारबाडोस जाने से पहले जॉर्जटाउन और गुयाना पहुंचेंगे। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और अन्य कोचिंग स्टाफ भी बारबाडोस में उनके साथ शामिल होंगे। हालांकि दोनों प्रैक्टिस मैच प्रथम श्रेणी नहीं होंगे। टीम प्रबंधन ने बीसीसीआई के माध्यम से प्रथम श्रेणी मैचों के लिए क्रिकेट वेस्टइंडीज से उनका अनुरोध किया है। यह एक मिश्रित टीम होगी, जिसमें कुछ स्थानीय खिलाड़ी अभ्यास खेलों के लिए भारतीय टीम में शामिल होंगे। आयोजन स्थल पर खराब सुविधाओं के कारण टीम इंडिया ने रोसो की जगह बारबाडोस को चुना है। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।